किसी ने हमें पूछा कि मैं डॉक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ या फिर डॉक्टर जैसा काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। तो मैंने बोला कि बंदे नाराज़ मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं ऐसे ही एक करियर के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूँ जो मेडिकल स्टूडेंट न होने के बावजूद भी आपको मेडिकल फील्ड में काम करने का मौका देने वाला है। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं संजीव केलकर IIKD के इस क्रॉस रोड सीरीज़ में फिर एक बार आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। और जैसा मैंने कहा, आज हम आपको ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल और उम्दे करियर के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और वो करियर है करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या है ये करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? जैसा आपको जानता है, आप जानते हैं कि भारत भर में फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ बहुत है। बहुत सालों से ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हर तरह के बीमारी के लिए दवा निर्माण करने का कार्य कर रही है। लेकिन बीमारी का क्या? बीमारी अगर देखी जाए तो हमें एक पारंपरिक बीमारियों के बारे में ही पता है, या फिर मेडिकल साइंस भी पारंपरिक बीमारियों के बारे में ही जानता है, जैसे जुकाम है, सर्दी है, बुखार है, ज़्यादा हो गया तो टाइफाइड है, मलेरिया है, और ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज जैसी बीमारी है। जटिल बीमारी के बारे में अगर कहना है तो कैंसर जैसी बीमारी के बारे में इलाज या फिर लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा प्रकृति में ऐसे बहुत सारे विषाणु हैं जिसके बारे में मेडिकल साइंस को पता नहीं है, डॉक्टर्स को पता नहीं है, और मरीज को पता होने का सवाल ही नहीं आता। तो ऐसे सारे विषाणु के बारे में अगर आप देखें तो ये विषाणु भी एक अलग तरह की बीमारी दुनिया में फैलाते हैं। तो ये बीमारी के बारे में जानने का काम भी मेडिकल फैकल्टी को या फिर मेडिकल साइंस को करना पड़ता है। ये तो एक साइड हो गई। दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो आजकल लाइफ कॉम्पिटिटिव हो गया है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, लोगों की खाने की आदतें, खाने की हैबिट्स बदल गई है, जंक फूड ज़्यादातर यूटिलाइज होता है, एक्सरसाइज की बिल्कुल कमी है, गंदगी बहुत सारी फैली हुई है आजू बाजू में, एयर पोल्यूशन है, भीड़ है, और इस सारे वजह से लोगों की इम्यूनिटी पावर तो कम हो ही गई है, और इसके अलावा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा मैंने बोला कि आजकल खाली पारंपरिक बीमारियों के बारे में लोगों को पता था या फिर इसका ही लोगों को सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अभी विषाणु के भी अलग प्रजातियां, फिर न्यू वेरिएंट्स प्रकृति में पैदा हो रहे हैं। और इसका क्लासिकल एग्जांपल आप देखोगे तो रिसेंट पास्ट में ये सारी पारंपरिक बीमारियों के अलावा डेंगू जैसी बीमारियां आ गई, या फिर चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आ गई, एंड 2020 में COVID-19 या फिर SARS जैसा विषाणु हाहाकार मचा गया। अभी ये विषाणु के बारे में लोगों को पता नहीं था या फिर मेडिकल साइंस को पता नहीं था, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था, काम हो रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये विषाणु इतना तहलका मचा दिखा ऐसा किसी भी मेडिकल फैकल्टी को लगा नहीं था। बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों की जाने गई, और इसके वजह से मेडिकल साइंस को हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, न्यू वर्जन्स ड्रग के निकालने पड़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मेडिकल साइंस, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर्स या फिर मेडिकल सप्लायर्स, और उसके बाद मरीज, इन सारे को अगर जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वो एक ही प्रोफेशनल है, जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब प्रोफाइल क्या है, रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की? तो जैसा मैंने अर्लियर कहा कि बहुत सारे विषाणु प्रकृति में उत्पन्न हो रहे हैं या फिर उनके न्यू वेरिएंट्स भी पैदा हो रहे हैं। जैसा हमने कोविड में देखा, कोविड आने के बाद हम लोगों ने बहुत प्रयास के साथ एक वैक्सीनेशन निकाला, और अगले ही कुछ महीनों में न्यू वेरिएंट्स पैदा हुआ, उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। तो जैसा पारंपरिक बीमारियों के लिए हर एक कंपनी के पास मेडिकल साइंस ने इलाज देके रखा है, और ट्रेडिशनली वो सारी दवाएं डॉक्टर फैकल्टी यूज़ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा मैंने बोला, विषाणु भी अपनी अपग्रेडेड वर्जन्स या फिर वेरिएंट्स पैदा करते हैं या फिर दी गई दवाओं को काटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मेडिकल साइंस को एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को अपनी दवा अपग्रेड करनी पड़ती है,
दवा के या फिर ड्रग्स के भी न्यू वेरिएंट्स, न्यू मॉलिक्यूल्स पैदा करने पड़ते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज पैदा करनी पड़ती है ताकि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा असर दवा का मरीज पे हो और एक क्योर रेट बढ़े या फिर डेथ रेट कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें या फिर साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक भाषा में कंपनी ने जो भी डेवलपमेंट की है वो तुरंत डॉक्टर के पास पूछने का काम अगर कोई करता है तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। तो कंपनियां बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और जैसे मैंने बोला कि नए ड्रग्स की खोज करती है, प्रेजेंट ड्रग्स में कुछ अपडेट्स करती है। तो भारत भर में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, हर एक डॉक्टर्स को इंडिविजुअली जाके हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके बारे में नहीं बता सकती। तो ये काम अगर कोई करता है तो ये काम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता है। इसलिए कंपनी टैलेंट खोजती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रिक्रूट करती है, उन्हें बकायदा ट्रेनिंग देती है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट हुई है, क्या न्यू वेरिएंट्स आने की गुंजाइश है, या फिर उस वेरिएंट्स के लिए अपने ड्रग में अपने क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ है, या फिर न्यू मॉलिक्यूल्स की खोज कैसे की हुई है। ये सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइंटिफिक भाषा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग के रूप में दी जाती है और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में ट्रैवल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत एट द अर्लीएस्ट डॉक्टर के केबिन में जाके पहुंचाने का काम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता है। और इसके वजह से मैंने कहा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफेशन बहुत ही उम्दा, एक ज़रूरतमंद और एक हाई प्रोफाइल प्रोफेशन है। तो इसके लिए आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो क्या करना पड़ेगा अगर आपको एक सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है? तो अगर आपको एक सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो सबसे पहला आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपके ग्रास्पिंग पावर के ऊपर या फिर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि मेडिकल फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो हो सकता है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, डिफ़िकल्ट मेडिकल वर्ड्स या फिर कंसेप्ट, इन सारी बातें आपको समझना आसान हो जाना चाहिए। इसलिए आपको ये ग्रास्प करना है वो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट, डिफ़िकल्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी डॉक्टर की भाषा में साइंटिफिक वे से आपको डॉक्टर को प्रेजेंट करनी है और इसके वजह से आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। इसके बाद ट्रैवलिंग के लिए आपके मन में एक रुचि होनी चाहिए क्योंकि भारत के किसी भी कोने में या फिर आपको दिए गए एरिया में हर एक कोने में डॉक्टर को जाके डॉक्टर को मिलके ये सारी बातें आपको विजुअल एड यानी ऑडियो विजुअल माध्यम से बतानी पड़ती है। तो आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल एंड ट्रैवलिंग स्किल भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो एक प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपको विजुअल एड के माध्यम से डॉक्टर को ये बताना है। तो ये भी बातें आपके पास होनी चाहिए। एकेडमिक अगर एक्सलेंस देखा जाए तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। वो कोर्स आप पूरा करके भी आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर आराम से शुरू कर सकते हो। बेसिकली अगर आप साइंस बैकग्राउंड के ग्रेजुएट हो तो हो सकता है आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के अगर आपको है तो प्रोबेबली आपको फार्मा के बारे में या फिर ह्यूमन बॉडी या सिस्टम के बारे में मोटा मोटा पता रहता है। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के लिए न्यूज़पेपर में आते हैं, मेडिकल स्टोर में या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर डॉक्टर के साथ अगर आप अच्छे कनेक्शन में है तो एक रेफरेंस के थ्रू भी इंटरव्यूज में जाके आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप सपोज साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो भी आप एक कोर्स करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर आराम से शुरू कर सकते हो। और ऐसे कोर्स देने वाली बहुत सारी इंस्टीट्यूट भारत भर अवेलेबल है। कोर्स का मॉड्यूल जनरली ऑनलाइन रहता है, फिजिकल भी रहता है, पार्ट टाइम फुल टाइम सारे मोड पे ये कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। अगर मैं टॉप इंस्टीट्यूट बताऊँ आपको कि कोविड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको अच्छी तरह से कोर्स ऑफर करते हैं तो इसमें अगर मुंबई में देखा जाएगा तो गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इसका काफ़ी अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स अवेलेबल है। या फिर दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इंडिया IGMPI, यहाँ
इस कंपनी या फिर इस इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन मोड पे या फिर फिजिकल मोड पे भी ये कोर्स काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। इसके अलावा फार्मास्टेट एकेडमी है या फिर रॉयड ट्रेनिंग सर्विसेज ऑनलाइन कोर्स है इनका, ये भी अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो आपको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर करने के लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट या फिर लर्निंग कोर्स के माध्यम से देता है। तो इन कोर्स में जनरली आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी या फिर ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इसके बारे में आपको ब्रीफिंग किया जाता है। इसके अलावा ड्रग फार्माकोलॉजी, ड्रग्स के न्यू वेरिएंट्स या फिर द हिस्ट्री ऑफ द ड्रग, इसके बारे में भी आपको पता चलता है। तो इस सारे कंटेंट से या फिर एक कोर्स करके आप अच्छा खासा लर्निंग पा सकते हो और उसके बाद अच्छा खासा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर आप शुरू कर सकते हो। अभी देखा जाएगा तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर एक ऐसा ही करियर है कि जो आपको खाली डॉक्टर को बताना नहीं रहता। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर आपको डिस्क्राइब करना है तो ये एक सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों मल्टीटास्किंग जॉब है। एक तो आपको कंपनी की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइंटिफिक भाषा में डॉक्टर के केबिन में जाके डॉक्टरों को बतानी रहती है, तो इसमें आप ब्रांड बिल्डिंग का काम करते हो जो कि मार्केटिंग है। लेकिन इसके अलावा अगर डॉक्टर ने वो प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब किया तो प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में घूमेगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी मेडिकल स्टोर में देखना भी आपका काम है। तो मेडिकल स्टोर में जाके मेडिकल स्टोर में बताए गए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना और वो प्रोडक्ट मरीजों के लिए उपलब्ध करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे आप सेल्स करते हो, सेल्स के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हो उनके साथ भी आपको तालमेल बिठाना रहता है और उनके थ्रू मेडिकल स्टोर में जल्द से जल्द आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करना रहता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों चीज़ें आपको करनी रहती है। इसके अलावा हो सकता है बहुत सारे टाइम मरीजों के साथ भी आपको टैकल करना पड़ता है, तो एक सॉफ्ट लैंग्वेज आपको ज़रूरी है। तो आप जिस रोल में है उस रोल के हिसाब से मोल्ड करना आपको जमना मांगता है। यानी अगर आप डॉक्टर के पास हो तो आपकी लैंग्वेज एक साइंटिफिक होगी, आप अगर फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो तो आपकी लैंग्वेज बिजनेस होगी, या फिर आप मरीज के साथ बात करते हो तो आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट या फिर ह्यूमैनिटी से हिसाब से होगी। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आप देते रहते हैं डॉक्टर्स के केबिन में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे चार्ट्स लगे रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन या फिर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के माध्यम से करता है। तो एक काफ़ी अच्छा करियर है और ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको करनी रहती है। तो अगर देखा जाएगा तो कितनी फीस है अगर आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स करना है, आप साइंस ग्रेजुएट नहीं है, तो जैसा मैंने कहा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट 3 महीने से लेके 1 साल तक के कोर्सेज आपको अवेलेबल करके देता है। और कोर्स की फ़ी डिपेंड्स है कौन सी इंस्टीट्यूट है, आप ऑनलाइन मोड पे या फिजिकल मोड पे कोर्स कर रहे हो, या फिर कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। ऑब्वियसली ड्यूरेशन अगर अलग हुआ तो कंटेंट भी अलग होगा, तो इस हिसाब से फीस भी अलग अलग है। तो मैंने रफली स्टडी किया तो 35,000 से लेके 60,000 तक की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी या फिर अदा करनी पड़ेगी एक अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स एक्वायर करने के लिए। अभी करियर स्कोप क्या है, ऐसे कौन से कॉर्पोरेट्स है जिसमें आपको एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब मिल सकता है, तो मैं बोलूं कि भारत भर में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बहुत सारे जायंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। अगर मैं नाम लूं तो वॉकहार्ड है, सिप्ला है, अबॉट इंडिया है, टोरेंट फार्मा है, ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज है, सेंटोर फार्मास्यूटिकल्स है, जाइडस कैडिला है, या फिर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बीचम है, नोवार्टिस है, ये तो बड़े टॉप जायंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के नाम आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा मिडल या फिर स्मॉल साइज फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी बहुत सारी ऑपरेशंस में है इंडिया में, और हर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट या फिर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्टर को पहुंचाने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो स्कोप काफ़ी अच्छा है। सैलरी रेंज अगर देखे जाएगा तो सैलरी भी काफ़ी ल्यूक्रेटिव रहती है, और सैलरी के सिवा रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी काफ़ी अच्छे रहते हैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर देखा जाएगा और आप अच्छी कंपनी में अगर आप रिक्रूट हो जाते हो तो स्टार्टिंग लेवल पे 5 लाख का पैकेज तो आपको आराम से मिलता है। इसके अलावा करियर ग्रोथ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे है। आप सही मायने से अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, आपका टैलेंट सही में
आप मुकम्मल करते हो तो एक अच्छा खासा करियर ग्रोथ लाइक अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल मैनेजर, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देके आप करियर की सीढ़ियाँ आराम से चढ़ सकते हो। इसमें आपका मॉनेटरी बेनिफिट भी हो जाएगा। दूसरी बात, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन देखा जाएगा। तो अगर आप परफॉर्मर है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले लेती है, सेमिनार्स ले लेती है या फिर मीटिंग्स ले लेती है, रिव्यू मीटिंग्स रहती है, और वो सारी मीटिंग्स जनरली 3-स्टार 5-स्टार होटल में या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर आउटसाइड लोकेशन पे भी रहती है। तो ऐसे सारे अच्छे माहौल में आपको एक ट्रेनिंग का या फिर आपको अपग्रेड करने का मौका फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको देती है। इसके अलावा अगर आप रीजनल एरिया में घूम रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फर्स्ट क्लास से ही ट्रैवलिंग करना रहता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा करियर आपके पास है। इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि एक कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपकी एक पर्सनैलिटी भी अच्छी आपको निखरनी पड़ेगी। एक फ्रेश या फिर माइंड या फिर एक अटायर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप मरीजों से मिलने वाले हैं, एक साइंटिफिक वे से डॉक्टर को मिलके इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो पर्सनैलिटी के ऊपर भी आपको बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा करियर है एक साइंस ग्रेजुएट होने के बाद तुरंत, या फिर आर्ट्स या कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स करके आप एक अच्छी खासी पोजीशन, अच्छा खासा करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पा सकते हैं। तो आप ज़रूर इसके बारे में सोचिए और अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर पाने की कोशिश कीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि लास्ट वीडियो में हमने एक डाटा एनालिस्ट के बारे में बात की थी, ये वीडियो में हम लोगों ने आपको जानकारी देने की कोशिश की करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे अपलोड होने वाले हैं, इसलिए अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग करियर वीडियोस के बारे में तुरंत आपको अपडेशन मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें हर बार कुछ नया करने की इनक्रेजमेंट मिले। ये वीडियो को आप अपने मित्रों में या फिर रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि इस अच्छे करियर के बारे में आपके नज़दीक वालों को भी जानकारी मिले। और सबसे बड़ी बात, कमेंट्स में कुछ लिखिए। अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बारे में अगर आपको कुछ और जानना है तो इसके बारे में कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा किसी और करियर ऑप्शंस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके बारे में भी आप कमेंट्स में कुछ लिखिए ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में इसके ऊपर गौर सकें। तो विश यू वेरी हैप्पी करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। डू वेल, ग्रो वेल, टेक केयर।